प्रदेश में आज नवरात्र की धूम है। शहर के तमाम मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर आज भी कई व्यापारी ऐसे हैं जो कि अपनी दुकानों को, अपने मॉल को खुला रखे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि धनबाद में के एम बाजार में एक मारपीट की घटना सामने आ रही है। इस वक्त हम धनबाद के हीरापुर के ठीक एम बाजार के सामने खड़े, और आपको हम बता दें कि यहाँ पर बस थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर कुछ बदमाश युवकों की ओर से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें उन लोगों ने जो कर्मचारी है उनके साथ हाथापाई की है, वहां से रॉड जो सामने में जो पाइप थी उसे निकालकर उन्हें पीटा है। लड़कियों के ऊपर भी, जो बच्चियां हैं जो काम करती है सेल्स का, उनकी भी पिटाई की गई है। आइए हम चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। कौन क्या हुआ, उसको मार रहे थे? हाँ, किस लिए, मतलब काहे, क्या विवाद हुआ? अचानक से बिना किसी विवाद के आपको क्या हुआ? उनको रुकने के लिए बोल रहे थे, दखल दे रहे थे आपको। हाँ? इधर देखिए, इधर देखिए, वो किधर, कितने लोग, कितने आदमी थे? आठ दस जन। आपको धक्का मुक्की किया है? क्यों मारे हैं आपको, ऐसा कुछ कहें? कुछ तोड़ फोड़ भी हुआ यहाँ पे, मतलब से आपको मारपीट भी किया गया आपके साथ बिना रीजन का? वो लोग आया सुबह कि भैया मेरा टोकन खो गया है, तो उसको बोला ठीक है टोकन मिल जाएगा बाबू, नंबर दे दो और एक आधार कार्ड के जेरॉक्स कुछ दे दो, आपको हम दे दे रहे। तो उसी में वो लोग पूरा गाली गलौज करने लगा, कितना लगेगा टोकन के रेट, हम पैसा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, पूरा गाली गलौज। तो बोले वो सब करने की जरूरत नहीं, उसको समझा रहे थे। तो उसी बीच में वो लोग और गर्म हो गया, बोले 10-15 लड़का बुलाएंगे, मारपीट करेंगे यहाँ पर। कितने लोग? 15-20 हजार। क्या किया यहाँ पे? यहाँ पर जैसे ही आया अंदर घुसा, बोल रहे कौन मारा, कौन किया, कौन यहाँ पर था, पूरा यहाँ पर कुछ सुना नहीं मेरे बात भी। यहाँ महिला गार्ड से भी कुछ किया? हाँ, महिला गार्ड से भी पकड़ के उसको जहाँ था मार दिया। किसके साथ मारपीट? देखिए यहाँ पर मेरा यहाँ पर लड़का है, दो तीन को लड़का है, लोग को पूरा मारा है यहाँ पर केस में जो है, ठीक है। और किन्हीं के साथ मारा? और किन्हीं के साथ नहीं, लड़का लोग को मारा है, लड़की को हम लोग गार्ड जो था उसको भी मार दिया यहाँ पर। हर केस काउंटर पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, केस भी लेके भागा है। केस 1.5 लाख के बीच में था, हमको काउंटिंग करना पड़ेगा तब मालूम चलेगा। सबको लेके? हाँ, सबको लेके नहीं गए, दो तीन लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार दास है। आप कौन है? कूलर मैनेजर है यहाँ। जो परचेजिंग करते हैं बाबू, परचेजिंग करते हैं तो वो अपना जो भी सामान बैग उग लाया अगला बाहर काउंटर में जमा करते हैं। जो परचेजिंग करने आते हैं वो बाहर एक काउंटर है, वो बैग लेके आते हैं, वो बाहर रखा जाता है, उसमें एक टोकन देता है कि भाई रखो, आप परचेजिंग करके बाहर आओगे तो टोकन देगा, फिर वापस चलो। वो टोकन वापस करता है, माल वापस दे देता है। इसी बात लेके लड़का बोला टोकन बुला गया है, मेरे पास नहीं है। तो अगला बोला आधार कार्ड दे दो और एड्रेस दे दो, आप ले जाओ। अगला बोलता रंगवाज बन गया वो, हम कहाँ का लड़का बोलता है। हाँ, पुलिस आई थी, उठा के चार लड़का को लेके गई। कहाँ के लोग थे पता चला? अभी पता नहीं चला कोई बात। अभी क्या लोग एक तरह से शरारती बदमाशी थे, दिखे नहीं रहे आप, तो फोड़ पूरा किया, मारपीट किया पूरा। किसी के साथ मारपीट भी किया? मारपीट भी, सब स्टाफ के साथ मारपीट भी किया है, महिला के साथ भी बदतमीजी किया है, लड़की कुछ काम करती है उसके साथ भी बदतमीजी किया है। क्या इसको लेकर चैंबर जाएंगे? अभी जा रहे हैं हम लोग थाना, एफआईआर लॉन्च करेंगे, अगला जेल भेजेंगे। गैस भी कुछ निकाल लिया उसके साथ, 8-10 और अभी जो काम, अभी जाँच करेंगे, पता करेंगे कितना कैश था। तो आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाया गया कि कैसे कुछ युवक जो है काउंटर पे पहले बकझक कर रहे हैं और उसके बाद सीधा हाथापाई पे उतर आया, और उसके बाद जो साथ में बाकी युवक थे वो लोग भी जो है तमाम कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने लगे हैं। एम बाजार के जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया है कि पहले कूपन की बात को लेकर यहाँ पर बकझक किया गया, उन्होंने कहा कि कूपन खो गया है फिर भी उन्हें जो ऑफर्स है वो दें। इन लोगों ने आग्रह किया कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड बताते हैं, दिखाते हैं, तो फिर ये प्रोसेस आगे कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने और सीधा हाथापाई पर उतर गए, बेरहमी से उन लोगों ने पिटाई की है। जो एक बच्ची है उसे भी काफ़ी ज़ोर से उन लोगों ने मारा है,
इसके बाद इन लोगों ने पुलिस को हंड्रेड फाइनल में कॉल किया। फिलहाल पुलिस जो है इनमें से कुछ युवकों को पकड़ कर ले गई और ये पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मैनेजर ने ये भी बताया है कि 1.5 लाख रुपए जो है कैश काउंटर से वो निकाल कर भाग गए हैं। आखिर क्या ये पूरा मामला, कौन थे ये लोग और पूजा पाठ के दिन इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में पूरे आसपास के क्षेत्र के लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है कि अब व्यापारी वर्ग जो है अपने दुकानों में भी सेफ नहीं। और इस तरह से जो युवक है जो अंदर आए थे, बदमाश हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बदमाशी की गई है, ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ श्याम भवी सिंह, द न्यूज़ 4, धनबाद।